Hi and welcome to Sanjeev Kapoor Khazana. मैं कपिल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कमाल का इंडियन डिज़र्ट जिसका नाम है मूंग दाल खीर. मूंग दाल यूज़ करेंगे और बहुत कम चीज़ें जाएंगी, झटपट तैयार हो जाएगी. तो फटाफट शुरू करते हैं ये खीर बनाना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा मूंग की दाल. और ये जो मूंग की दाल है ये एक तो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, बहुत हेल्दी है और इसके अंदर क्या है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है. क्यों? क्योंकि ये अनपॉलिश्ड दाल है. तो ये ली मैंने मूंग दाल. तो दाल को मैं सबसे पहले घी के अंदर रोस्ट करने वाला हूँ. तो गैस चला लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा घी. अच्छा, क्योंकि खीर बन रही है तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फुल क्रीम दूध. और फुल क्रीम दूध को भी मैं क्या करूँगा, एक साफ़ सा पतीली आप कोई भी ले लीजिए, उसके अंदर मैं ये दूध लूँगा. और दूध को मुझे अच्छे से पकाना है. पहले इसके अंदर मैं एक उबाल आने दूँगा और जब उबाल आ जाएगा इसे मैं और 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगा, तब तक जब तक ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता. और दूध आप जब भी पकाएं खीर के लिए या किसी और डिज़र्ट के लिए, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको बीच बीच में इसे मुसलसल चलाना है ताकि ये नीचे से चिपकना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए. अदरवाइज़ दूध अगर नीचे से जल जाएगा तो पूरी खीर का स्वाद जो है वो जला हुआ हो जाएगा. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. तो घी पिघल चुका है, अब ये दाल गई घी के अंदर और इसे मैं घी में अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर भून लूँगा घी के अंदर. और साथ ही मैं दूध भी एक बार स्टर कर देता हूँ. एंड मेक श्योर आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें. तो मूंग की जो दाल है वो अच्छे से घी के अंदर भून चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, उसका कलर चेंज हो गया है. बस इसे इतना ही मुझे भूनना है, उसके बाद मैं दूध में बॉयल आने देता हूँ. फिर उसके बाद ये दाल जाएगी दूध में और दूध में अच्छे से पकेगी 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाती. तो दूध में उबाल आ चुका है और 2 मिनट के लिए मैंने उसे पकने दिया है. तो दूध भी हल्का सा गाढ़ा हो चला है. अब इसके अंदर ये जाएगी भुनी हुई मूँग दाल. और मूँग दाल डालने के बाद इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए मैं पकाऊंगा. उतने में क्या होगा कि एक तो दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा, उसके साथ साथ मूंग की दाल भी पक जाएगी. अच्छे से मैं हिला दूंगा ताकि नीचे मूंग दाल जो है वो चिपक ना जाए. बस अब इसके अंदर मैं डालूंगा थोड़ा सा केसर. तो पकते हुए दूध में इसका अच्छा सा रंग और उसके साथ साथ फ्लेवर भी आ जाएगा. तो बस अब क्या करेंगे, अभी हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, तब तक जब तक दाल जो है अच्छे से दूध के अंदर कुक नहीं हो जाती. तो मूंग की दाल अच्छे से गल चुकी है दूध के अंदर और मैं आपको दिखा दूं दूध भी कितना गाढ़ा हो गया है, कितना क्रीमी हो गया, क्या खूबसूरत इसका रंग आया है, क्योंकि मैंने इसमें केसर भी ऐड किया था. और एक बार मैं दाल अगर चेक करूँ तो हाथों में आप उसको दबाओगे ना तो एक दाना रहेगा. वो दाना रहने की वजह ये है कि मैंने क्योंकि इसको फ्राई किया था घी के अंदर तो हल्की सी क्रिस्पी हो जाती है. तो ये जो एक टेक्सचर है जब आप बाइट लेंगे तो ये हल्का सा दाना अच्छा लगता है. बिल्कुल अगर वो मशी हो जाएगी, घुल जाएगी, उसमें भी कोई मज़ा नहीं आएगा. तो अब इसके अंदर मिठास, कंडेंस्ड मिल्क. और कोई भी मिठाई हो, ख़ास तौर पे जो हमारी देसी इंडियन मिठाइयाँ होती हैं, मुझे बहुत पसंद है. बट उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि मिठास जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो तो बेटर है, ताकि आप और ज़्यादा इन्जॉय कर सको और ज़्यादा खा सको. तो इसे मैं एक बार मिक्स कर देता हूँ इसके अंदर. और इनकेस अगर मुझे लगता है चखने के बाद कि मिठास हल्की सी कम है तो मैं चीनी डालूंगा, अदरवाइज़ मैं चीनी इसमें नहीं डालूंगा. और इस स्टेज पे आपको इसको लगातार चलाना है क्योंकि गाढ़ी हो चुकी है और दूध जब गाढ़ा हो जाता है तो वो नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ फाइनल टचेस और खीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है. इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा कुछ ड्राई फ्रूट्स. तो यहाँ पे चॉप किए हुए बादाम हैं, ड्राई रोस्ट करके रखे थे, और थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा लेता हूँ थोड़े से काजू, और ज़रा से ये ब्लांच किए हुए पिस्ते. ब्लांच करके इन्हें काट लिया है, ये गए, और बिल्कुल ज़रा सी किशमिश, और फ्लेवर के लिए छोटी इलायची का पाउडर. बस अब इन सारी चीज़ों को मैं कर देता हूँ मिक्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो हैं मैंने ड्राई रोस्ट करके डाले हैं तो उनका अपना ही एक क्रंच और फ्लेवर भी अपने आप ऐड हो जाएगा. उन्हें और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है खीर के अंदर. इसे आप रखोगे, बाहर ही रखोगे इसे 10 से 15 मिनट के लिए, तो अच्छे से सारे जो फ्लेवर्स हैं वो रम जाएंगे इस खीर के अंदर. तो बहुत गाढ़ी हो चली है और ज़्यादा गाढ़ी मुझे नहीं करनी है, तो गैस कर देते हैं बंद. और अब क्या करेंगे, गर्मा गर्म इसे डिश आउट करते हैं. और इसे गार्निश कर देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स. तो ये मज़ेदार सी मिठाई हमारी देसी
मूंग दाल की खीर जो है बनकर बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट मीठा है। मैंने चीनी ऐड नहीं की थी क्योंकि मेरे हिसाब से जो चीनी थी, मिठास थी, वो परफेक्ट थी। आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। और तो बनाइए, मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल संजीव कपूर खजाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं कपिल और भी गज़ब की ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।